नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। वो क्या दिल्ली में घटना घटी मरकज की? ऐसे लोगों को गोली से मार देना चाहिए। इनको कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप? इनका एक स्वतंत्र विभाग करो कहीं भी, और इनका ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए। अगर इन हालातों में भी इन्हें देश से बड़ा धर्म लग रहा है और इनको इसमें कोई साजिश करनी है कि देश खत्म कर दें। ये लोग नोट पर थूक लगा रहे हैं, सब्जियों पर थूक लगा रहे हैं। जहां इन्हें क्वारंटाइन किया गया है, वहां नर्सों के सामने बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, डॉक्टरों के शरीर पर थूक रहे हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालकर पीटते हुए वीडियो वायरल किए जाए ताकि जनता में कुछ विश्वास आए। इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? देखिए, ये अकेले राज ठाकरे की पीड़ा नहीं है। जिस तरह की घिनौनी हरकत इन जमातियों ने की है या फिर कर रहे हैं, उससे बहुत से भारतीयों का मन खिन्न है। ऐसे में राज ठाकरे के उद्गार कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी का आक्रोश ही प्रकट करते हैं। अब स्क्रीन पर जो वेशभूषा और उठे पिछवाड़े आपको दिख रहे हैं, यह धरती पर कार्बन उत्सर्जन या यूं कहे कि पोल्यूशन फैलाने वाले सबसे हानिकारक तत्व है। यह जहां भी रहेंगे गंदगी ना फैले, ऐसा संभव नहीं है। वरना 5 दिन पहले तक तो स्वच्छ भारत का सपना साकार होता दिखाई दे रहा था, पर यह तत्व यहां मौजूद है। इसलिए भारत एक बार फिर 2 वायरस से एक साथ संघर्ष कर रहा है। 647 जियादी पकड़े गए हैं जो वायरस से संक्रमित हैं। अभी और कितने वायरस बम बने घूम रहे हैं, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर देश में कुल संक्रमण के मामलों में 30% हिस्सा इन्हीं जमातियों का है। कहने वाले कुछ भी कहे, पर सरकार इन्हें क्वारंटीन जरूर करे, मगर हुरों के दीदार से ज्यादा कुछ भी इनको नहीं दे। सरकार ढंग से काम करे तो उसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है इस कानून की आवश्यकता ही ना रहे। जो मजहबी स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं, सरकार को उनकी मानसिकता समझ में क्यों नहीं आ रही है? सरकार को उन्हें हिरासत में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पूरे क्षेत्र को ही लॉकडाउन कर देना चाहिए। मतलब उस इलाके मस्जिद में जो हो रहा है उसको अनवरत रूप से होने दे। भला जनसंख्या घटाने का इससे सरल उपाय क्या होगा? जो तत्व वायरस बम बने घूम रहे हैं, उन्हें पकड़कर इनके परिवारों के पास छोड़ देना चाहिए। इनका अपने परिवार के साथ रहना जरूरी है। इन्हें इनकी बादतगाहों में बंद करने के कदम उठाने की आवश्यकता है, जहां ये सूरा को पूरा पढ़ने के अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। पर सरकार है कि स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा बलों की जान ही आफत में डालने पर तुली है। इन्हें क्वारंटीन करके मालपुए खिलाए जा रहे हैं, इनकी टोपियों को सम्मान दिया जा रहा है। केवल देश में ही नहीं, दुनिया में व्याप्त यह वो गंदगी है जिसके रहते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स या पीएम की मात्रा हमेशा लाल निशान से ऊपर होती है। निजामुद्दीन मरकज ने यह साबित भी कर दिया है। केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया इस तबलीगी जमात पर थूक रही है, जिसने जानबूझकर कयामत को दस्तक दी है। यह टोपीबाज पूरी धरती के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन्हें लगता है इनका अल्लाह आएगा और इनकी तस्वीर पर थपकी देकर जाएगा। यानी जब भारत समेत दुनिया के विकसित देश वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं, या गर्दन पटकने में इलाज तलाश रहे हैं, दवा मिल गई तो ये फिर उसे पीने में सबसे आगे लाइन में मिलेंगे। जैसा कि योगी के 1,000 रुपए के लिए इन्होंने बैंकों के आगे भीड़ बढ़ाई है। यानी बहुसंख्यकों के पैसे को खाकर उन्हीं पर थूकना इनका पुराना स्वभाव है। भीख पर झपटने में इनसे बड़ा मारती कोई नहीं है। गैरतमंद होते तो काफिरों के दान को हराम समझ कर लेना ही नहीं चाहिए, मगर मतलब परस्ती में इनसे अव्वल कोई नहीं है। जिन्हें संदेह है, वे राशन की लाइनों और बैंकों में इनकी भीड़ को जाकर देख सकते हैं। यकीनन राज ठाकरे ने अपने इसी आक्रोश को व्यक्त किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।